नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आप सभी का प्यार और आशीर्वाद देख करके। मैंने YouTube पर जो वीडियो डाला था अपने होटल के लिए, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा है और मेरे पास जो फीडबैक आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। और लगभग अभी तक 13 से 14 कस्टमर हमारे पास आ चुके हैं YouTube के माध्यम से, और आकर के यहाँ का फीडबैक भी हमें अच्छा शेयर किए हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि बस आप सभी का ऐसे इसी तरह से आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा, तो हम जल्द ही जल्द और भी सस्ते सस्ते होटल लाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, जो मैंने सरगम गेस्ट हाउस का वीडियो डाला था वो इस समय बंद हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे साथ वहाँ पर फ्रॉड हुआ, और उस फ्रॉड के जरिए से मुझे वो प्रॉपर्टी बंद करनी पड़ी। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपका वेलकम रहेगा। यहाँ पर भी हम आपको सारी सुविधाएं सेम दे रहे हैं। हमने वीडियो भी बनाया है, तो वीडियो हम आपको अभी आगे डालेंगे। इस पर ज्वाइंट कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी आप देखेंगे, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे होटल आए तो हमें फीडबैक दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आपको बता दूं, जैसा सेम नियम वहाँ था, ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि आपकी आईडी 18 प्लस होना अनिवार्य है। कपल का भी वेलकम रहेगा, फैमिली का भी वेलकम रहेगा। हम लोग ड्रिंक वगैरह अलाउ नहीं करते हैं। ड्रिंक का मतलब होता है, कहने का मतलब, अगर आप 2 फर्जन हैं यानी कि 2 लोग हैं, तो आप अपने रूम के अंदर अपना ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गैदरिंग के हिसाब से हम अलाउ नहीं करते हैं कि 4 लोग 5 लोग इस तरीके का नहीं करते हैं, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ा होटल का एक जरिया होता है कि अगर हम आपको सुरक्षित रखेंगे, सिक्योरिटी में रखेंगे, तभी आप हमारे यहाँ आएंगे। तो 110% आप सुरक्षित हमारे प्रॉपर्टी पर रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाते रहें, क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सपोर्ट करें और इसी तरह आप लोग आएँ और अपना फीडबैक दें, और कैसा लगता है तो ये हमें यूट्यूब पर कमेंट भी देकर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि हमारा वीडियो सऊदी अरब तक पहुंच रहा है। लोग वहां से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूं और मुझे कमरा चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक बुकिंग 28 तारीख से वेटिंग पर भी लगी हुई है, और एक मैडम आज आई थी हमारे पास में रूम देखने के लिए, उनको भी सैटरडे वगैरह को आना है। तो ऐसे आप लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरी चीज़, एक भाई हमारे अभी हाल में ही 2 दिन का स्टे यहाँ कर कर निकले हुए हैं, अगर वो हमारा इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे वो, अपनी माता जी को यहाँ पर घुमाने लाए थे, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपनी माता और पिता की सेवा करते हैं। घुमाने लाए थे, उन्होंने कहा अनु भैया मेरे पास ये बजट है, तो मैंने उनको उस बजट पर भी उनको अच्छा से अच्छा कमरा हमने प्रोवाइड कराया। मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह आप लोग भी आइए, वेलकम रहेगा। होटल दोस्तों बहुत सारे हैं, कम रेंज के भी हैं, हाई रेट के भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मीडियम रेट रखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा सस्ता करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें लोचा है, तो हमें सस्ता नहीं करना। आपका 100 रुपये अगर मैं एक्स्ट्रा लूँगा तो आपका जो सुविधा है, आपको जो सुरक्षा है, वो हम पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। होटल आपको चारबाग एरिया में आपको 400-500 में भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे होटल में आप क्या करेंगे जाके, जहाँ पर आपको बीमारियों का भी डर रहे और आए दिन पुलिस रेड करती रहती है, फैमिली के साथ रुकेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो प्राइस डिसाइड किए हुए हैं वो लगभग 799, 999, 1199 और 1399, इन रेट पर हमारे पास रूम अवेलेबल है। 999 के ऊपर अगर रूम आप कोई भी हमारे यहाँ सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं, तो यूट्यूब से अगर आप आते हैं तो आपको मिलने वाला है 10 से 15% का डिस्काउंट, और साथ में फूड अगर हमारे यहाँ का लेते हैं तो भी आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप हमारे यहाँ जरूर आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये है हमारा होटल जो कि साईं गेस्ट हाउस, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने दी है बैठने की व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ ये हमारा एक रिसेप्शन काउंटर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे सोफ़ा सेट है। हमारा डॉगी सोफ़ा पर बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। बगल में हमारा मिनी ऑफिस है, इधर ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से एंट्री वगैरह की जाती है। यहाँ पर हमारे गेस्ट हाउस में जो ये कॉटन लगी देख रहे हैं, हमारे कई गेस्ट का डिमांड था कि सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जिधर कॉटन लगा उधर शीशा लगा हुआ था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर कॉटन लगा रखे हैं।
बाकी के जो रूम्स हैं वो अंदर हैं, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देखिए, ये साइड में हम आ चुके हैं और यहाँ ये साइड में रूम है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हम आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको बेवकूफ़ बनाएं, ऐसा मेरे पास काम नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर एसी हम दे रहे हैं, इधर से भी कॉटन लगा हुआ है, इधर हमारे एक टेबल है जिस पे लोग बैठ सकते हैं, ये हमारा बेड है आप देख सकते हैं, इस पे हम लग्जरी गद्दा दे रहे हैं जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवाएंगे हम। और इधर देखिए, इधर का एरिया है, इधर ये हम टीवी लगा कर दे रहे हैं। यहाँ पर फिर हम आएंगे वाशरूम की तरफ, तो वाशरूम भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये गीजर लगा है। और आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपका खुर्रम नगर चौराहा है, बिल्कुल मेन हाईवे से लगा हुआ हमारा होटल है, आप देख पाएंगे ये सामने हाईवे है। इसके हाईवे से जस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जिस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो नियम है वो फॉलो करके रखे हुए हैं, यहाँ पर जो फायर के जो कनेक्शन है वो भी हो रखे हैं, पानी की व्यवस्था भी है हमारे पास में। ये एक शीशा है जिसमें आप लोग जैसे कभी कभी होता है ना कि देखना होता है कोई भी हो, और विशेषकर जैसे कि हमारे पिछले भी होटल में जैसे नियम थे सेम वैसे ही है। यहाँ पर मेरी एक पूजा की अलमीरा है, मतलब पूजा की एक स्थान है, पूजा का जगह है। यहाँ सामने आप देखेंगे वो सारे नियम आपको दिख जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और बात करें हम साफ़ सफाई की, तो डियर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पत्थर लगे हुए हैं कहीं से भी कोई ऐसा गंदगी नहीं है। ये तो पत्थरों का कलर है कि वो ब्लैक कलर है, लेकिन आपको साफ़ सफाई के मामलों में यहाँ पर साफ़ सफाई आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। यहाँ पर एक हमारा एक मिनी किचन है छोटा सा, जिसमें नॉर्मली चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इधर ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोबारा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को पसंद अगर किया है आपने तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।